कि आप पहले जिला डिपो पर, आपका विजिट करने का रीजन क्या है? जी, हम बेसिकली इंडियन आर्मी के लिए एक अच्छी फिल्म बना रहे हैं, जिसको मेन हम लोग इंडियन आर्मी के लिए पाकिस्तान का बड़ा टेररिस्ट था अजहर मसूद, तो कैसे वो यहाँ पे आता है असम में और यहाँ पे आके बिहू पे अटैक करता है। बिहू जो यहाँ का बेस्ट फेस्टिवल है, तो कैसे वो अटैक करता है, कैसे इंडियन आर्मी उस ऑपरेशन को सक्सेस करती है, उस बेस पे हमारी फिल्म है। उसमें मेन हम लोग यहाँ पे कार्बी जो यहाँ का लोकल जो कल्चर है, तो हम उसको पूरा हाईलाइट कर रहे हैं इसमें। मतलब कार्बी जो कला संस्कृति है जी उस मूवी के दौरान उसको प्रमोट करने के लिए आप उस लोग ट्राई कर जी रहे जी उसमें पूरा प्रमोट होगा, यहाँ का लोकल डांस से लेके यहाँ की लैंग्वेज से लेके हम पूरा उसका कल्चर को हम लोग ऑल इंडिया तक हाईलाइट करेंगे, क्योंकि हमारी जो ये फिल्म है तो ये ऑल इंडिया सिनेमा रिलीज हो रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ के कल्चर को नेशनलाइज सपोर्ट मिलेगा। हैं। जो यहाँ पर भी बहुत सारा जो स्थानीय अभिनेता है जो जी कार्बी फिल्म का है, उन लोग से आपका रेस्पॉन्स कैसे मिला? उन लोग इस ऑडिशन में पार्टिसिपेट किया या? जी काफ़ी टाइम से हमारे ऑडिशन यहाँ पे हो रहे हैं असम में, तो अभी फाइनली दीपू में आज ऑडिशन हमारा रहा है, तो काफ़ी यहाँ के लोकल जो अच्छे कलाकार हैं तो हम उनको मौका दे रहे हैं कि ताकि वो नेशनल बॉलीवुड तक अच्छे से पहुँच सके, उनको बड़ा लेवल पे मौका मिले, तो हम यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे एक्टरों को मौका दे रहे हैं तो जो अच्छे टैलेंटेड हैं। और इस मूवी पर और कौन आपका अलावा और कौन कौन स्टार कास्टिंग जो जी है? मैं देव मेनारिया काफ़ी सारी फिल्म्स कर चुका हूँ, और उससे अभी इसके बाद में मेरी एक साजिश वेब सीरीज आने वाली डिज्नी हॉटस्टार पे, और बाकी ये बिहू अटैक तो हमारी है ही, तो मेरे साथ में मेरे को एक्टर प्राची देसाई हैं, अरबाज खान है, राज बब्बर जी है, रजा मुराद जी हैं, तो ऐसे काफ़ी बॉलीवुड से बड़े कलाकार यहाँ पे आएंगे असम में, दीपू हो जाए और गुवाहाटी में हमारा शूट होने वाला है, तो आप सब लोगों को मिलने का मौका भी मिलेगा, और खासकर थैंक यू आप सब मीडिया वालों का कि इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि सब आप सब तक पहुंच सके। थोड़ा सा बताइए बिहू अटैक उस फिल्म पर मतलब दर्शकों को क्या देखने मिलेगा, क्या इस बारे में थोड़ा बताइए, थोड़ा सा बिहू एक्चुअली बिहू यहाँ का लोकल कल्चर है, त्यौहार है, तो ये मतलब असम वाले ही जानते हैं, एक्चुअली बाहर वाले नहीं जानते हैं, तो हमने बिहू अटैक इसके लिए इसका नाम दिया है कि ये जो यहाँ का कल्चर है ये हाईलाइट हो सके। तो अजहर मसूद जो पाकिस्तान का जो टेररिस्ट था, तो वो यहाँ का जो बिहू जो फेस्टिवल हो रहा है तो उसके अंदर आके किस तरह अटैक करता है और इंडियन आर्मी किस तरह उसको वापस डिफ्यूज करती है, उसके ऊपर हमने इसको सब्जेक्ट को बनाया है, तो ऑडियंस को बड़ा मज़ा आएगा इसको देखने में, तो मैं खासकर आसाम की जनता से निवेदन करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि आप सब इस प्रोजेक्ट को देखें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके यहाँ के लोकल कलाकारों को और बाकी सबको आगे ले जाने में मदद कर सकें। थैंक यू। और अमर को